और बिग साइज। अभी हम लोग बिलासपुर से 37 किलोमीटर दूर नेवसा गांव में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि गांव में अगर सांप का नाम हो और उसके साथ भीड़ ना इकट्ठी हो, चाहे सांप को देखने की जिज्ञासा हो, चाहे रेस्क्यू कैसे हुआ था इसकी जिज्ञासा हो, वैसे तो बहुत खतरनाक सांप है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि सांप कहाँ पर है और पूरे घर वालों के साथ कैसे हादसा होते होते बचा है। बाकी सब बाहर जाओगे? ये जो घर है ये इन भैया का है और यहाँ जाना आप देखे, यहाँ आके घुस गया और वाकई में बहुत बड़ा हादसा डाला, क्योंकि ये जो सांप है ये बहुत खतरनाक सांप है। बहुत ही जो चार जिन सांपों की वजह से मृत्यु होती है उसमें से एक है, ये है स्पेक्टिकल कोबरा। स्नेक है ना, तो बाप रे। दोस्तों देखिए साइज का है ये, किस कंडीशन में कहां से आया सांप मैं दिखाना चाहूंगा। यहां भी इनके मेरे ख्याल से सामान और मकान। दोस्तों सोचिए कितना खतरनाक मंजर था होगा, जो घर की जो बेटी है यहां पर काम कर रही थी, खाना बनाने के लिए आई थी और सांप ऊपर से गिरा है और ऊपर में ही इनके भाई जो है ऊपर सोते अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को लेके, हम वो भी दिखाएंगे सिचुएशन। सांप है सर, हटा ना पीछे, साइड हो जा सर। वाओ वाओ, सोचिए पलक झपकते क्या हाल करता घर की बेटी के हाल। बाइट होता ही होता 100%। तुम पीछे हटा, तुम सब हो गया है ना। वाओ, क्या पाल के रखो भैया, लाइट दिखा लाइट दिखा, पास क्या लाइट थोड़ा सा। ये सांप है कि कितना बड़ा सांप बना के रखे हम लोग, आगे तो बचा लिए हम लोग। अरे हम नहीं, वो सब देवी माँ भी है और बिग साइज। सबसे बड़ी खासियत अगर आप इसके हुड पर, इसके फन पर देखेंगे तो इसका जो स्पेक्टिकल है वो इमोजी में ऐसा लग रहा है जैसे कि देखिएगा कि वो स्माइल कर रहा हो फेस। नीचे बाकी हटा दो। अरे हेलो, ओ मैम देखिए। अरे हेलो, अरे घबराओ मत भैया, आराम से ऊपर ऊपर चढ़ गई। हाँ आप लोगों को लगता है ना सांप चढ़ता नहीं, देखिए कैसे चढ़ रहा है सांप। आराम से, बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से में है ना, बहुत बड़ा सांप है ना। अरे सर, आज नवरात्र का कौन सा दिन है? छठवा दिन है। चमत्कार है, घर में बड़ा हादसा चूक गया। देखना पलट के आएगा चेहरे पे। देखो सीढ़ी में कैसे चढ़ रहा है ये, और ऊपर सोते हुए लगता है कि सीढ़ी में सांप नहीं चल सकता है या वो चढ़ नहीं सकता है। ये देखिए किस तरीके से चढ़ा, बहुत बिग साइज का है, बहुत पुराना एजेड है ये सांप, देखिए किस तरीके से चढ़ा। आराम से होगा, आराम से कुछ नहीं होगा, ऊपर से नहीं तो दबा रहे, खाया नहीं है कुछ, नहीं नहीं कुछ नहीं खाया। दोस्तों जब घर वालों ने हमको ये कहा था कि बहुत ही बड़ा सांप है, 7-8 फीट का सांप है,
तो हमको लगा था कि रेड स्नेक होगा, क्योंकि जनरली हमारे इंडिया में कोबरा इतने बिग साइज के नहीं मिलते, स्पेक्टिकल कोबरा। लेकिन वाकई में दोस्तों ये 6 फीट से ऊपर का सांप है। वो सामने मत आना भैया, थोड़ा दूरी बनाइए बस बस बस। सांप रेस्क्यू हुआ और जिस तरीके से ये गुस्से में था, जो भी इसके सामने आता वो उसको 100% बाइट करता। और अब जब हम लोग गांव में रेस्क्यू करने के लिए आए हुए हैं और हमारे वीडियो का खासकर माध्यम होता है हम लोगों को जागरूक कर सके, तो हम लोग यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को स्नेक बाइट होता है, सांप काटता है, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। कौन सा हॉस्पिटल जाते हैं? सीम्स, सरकारी हॉस्पिटल जाइए, ताकि आप लोगों की जान बच सके। झाड़ फूक, देसी इलाज या बाबा बैगा के चक्कर में जाएंगे तो 100% आप लोगों की डेथ हो जाएगी। इसलिए बैगा बैगा कुनिया के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। और ये सांप केचुली में नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरीके से लोगों की मदद करते हुए, रेप्टाइल के हेल्प करते हुए। तब तक के लिए आप लोग अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। वो हमको नहीं, प्रकृति हमेशा हमसे बड़ी होती है। YouTube पे हम लोगों का चैनल है कमल चौधरी करके, आप सर्च करिए, काइंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और Facebook पे हम लोगों को कमल चौधरी के नाम से आप फॉलो करिए। एक बार लेडीज के ले लो भाई, पाछू हो गया। क्या बोलता वहाँ माँ सरपंच होगा ना, कुछ ना कुछ पूछा है। चेहरा देख आप लोग हमारे फोन करने के बाद आ गए, हम लोग बहुत अच्छा लगा। अब बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, आज आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जी जी, कहाँ सोते हैं आप? लगा देते हैं। अरे बाप रे, बस बस यहीं पर दोस्त, ये बच्चों के साथ फैमिली के साथ सोते हैं और सांप यहीं ऊपर से नीचे गिरा है। बाप रे, स्पेक्टिकल कोबरा को उसको हम लोग आप देखिए, फिर यहाँ पे खुला प्राकृतिक माहौल है, यहाँ हम लोग उसको छोड़ रहे हैं।